नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F27 5G वर्सेस Poco X6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F27 में 6.42 इंच जबकि X6 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि F27 से कम है। विड्थ की बात करें तो F27 में 2.98 इंच जबकि X6 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि F27 से कम है। बात करें थिकनेस की तो F27 में 0.3 इंच जबकि X6 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि F27 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो F27 में 187 ग्राम्स जबकि X6 5G में 181.2 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F27 में फ्लैट OLED जबकि X6 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F27 में 1080x2400px FHD+ और X6 5G में 1220x2712px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F27 में 86.88% जबकि X6 5G में 90.05% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F27 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि X6 5G में 446 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F27 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और X6 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F27 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X6 5G की बात करें तो उसमें 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F27 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और X6 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F27 में माली G57MC2 जबकि X6 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F27 में MediaTek Dimensity 6300 और X6 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो F27 में 8GB की RAM मिलती है जबकि X6 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F27 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि X6 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F27 में अप टू 2TB जबकि X6 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो F27 में Android V14 जबकि X6 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी F27 में 5000mAh जबकि X6 5G में 5100mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
F27 में दो कलर्स जबकि X65G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F27 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹0, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹24,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें X65G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹18,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹23,999, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ ₹21,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X65G आगे है, मेन कैमरा में X65G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X65G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Vivo S19 5G है, तीसरा Honor 200 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G85 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।